नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साक्षी और मेरे साथ है राजीव। नमस्कार। और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हैं हम दोनों यहां पर, तो किससे शुरुआत करें साक्षी? मेरे ख्याल से आज शुरुआत करनी चाहिए, आज क्रिकेट में दो बड़े मुकाबले हैं भारत के। एक तो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच तीसरा T20 है। इंडिया डेफिनेटली क्लीन स्वीप की तरफ आगे बढ़ेगी और ऐसे में रोहित शर्मा के लिए एक सुनील गावस्कर का बहुत बड़ा बयान आया है राजीव। बयान ये है कि उन्होंने कहा है कि रोहित सहवाग जैसे खतरनाक हो सकते हैं। यानी पिछला जो प्रदर्शन रहा है लगातार रोहित शर्मा का, उसको देखते हुए सुनील गावस्कर का ये कहना है कि अगर रोहित चल निकले तो ये समझ लीजिए कि फिर किसी और विकेट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और ऐसे में वेस्ट इंडीज़ अपनी इज्जत बचाने के लिए एक मुकाबला जीतने की कोशिश करेगी और भारत क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ना चाहेगी। और दूसरा बड़ा मुकाबला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 में। और इससे पहले भारत ने अपने पहले वर्ल्ड कप T20 मैच में न्यूजीलैंड को हराया था। पाकिस्तान इससे पहले अपना मैच हार गई थी। यानी पाकिस्तान के लिए स्थिति थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि भारत जोश के साथ है और पाकिस्तान हार के इस मैच में सामना कर रही है भारत का। और कप्तान हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन हम पहले मैच में बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, जो उन्होंने 39 बॉलों में शतक ठोका था। उसके साथ पूरी टीम का और कप्तान का खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ऊँचा होगा और पाकिस्तान के लिए ऐसे में ये टीम बहुत खतरनाक पड़ सकती है। और यहाँ पर एक और खबर हम अपने दर्शकों को दे दें कि अब BCCI इस बारे में सोच रही है कि वापस से भारतीय पिचों को कुछ टर्निंग पिच और ज़्यादा टर्न करने वाली पिच बनाए। दरअसल मोइन अली इफेक्ट इसे कहा जा रहा है क्योंकि भारत का जो इंग्लैंड का दौरा था उसमें भारत को मोइन अली की घूमती गेंदों के सामने इतनी परेशानी हुई कि भारत सीरीज हार गई। और उसके बाद क्योंकि भारतीय खिलाड़ी उसके लिए प्रैक्टिस कर सकें और भारत में कम से कम भारत अपनी बादशाहत तो बनाए रखे और किसी टीम से ना हारे, लिहाजा टर्न करती हुई पिचें बनवाई जाएंगी। बिल्कुल। और वर्ल्ड कप 2019 के लिए ये तैयारी बहुत ज़रूरी होगी क्योंकि इंग्लैंड में जब फिर से जाएगी टीम तो टीम को इसका फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। तो ये तमाम कुछ खबरें थी जो कि हमारे इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स चैनल पर आपके लिए थी। और भी ताज़ा तरीन जो खबरें होंगी उसको आप तक हम लाते रहेंगे साक्षी। बिल्कुल, जुड़े रहिए हमारे चैनल से लगातार अपडेट्स के लिए। और सारे मैच, आज के दोनों बड़े मैचेस के हम अपडेट्स आपको यहाँ देते रहेंगे। और 6:30 बजे रनयुद्ध देखना ना भूलें और मैच के बाद भी रनयुद्ध इंडिया न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। पूरे मैच की सारी खबरें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।